नमस्कार वेलकम टू द प्रोग्राम डिस्कवर योर दोस्तों दुनिया में करोड़ों लोग होते हैं और इन्हीं करोड़ों लोगों में से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा भीड़ से अलग दिखना चाहते हैं वो चाहते हैं कि वो भीड़ में सबसे स्पेशल और सबसे यूनिक दिखें और ऐसे लोग कहलाते हैं इंडिविजुअलिस्ट जी हाँ दोस्तों आज एनेग्राम की सीरीज़ में हम बात करेंगे टाइप फोर पर्सनैलिटी इंडिविजुअलिस्ट के बारे में और इस पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर के न्यूटन जो कि स्परिचुअल साइंटिस्ट हैं और पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट और डॉक्टर न्यूटन के साथ हैं डॉक्टर लक्ष्मी डॉक्टर लक्ष्मी भी स्परिचुलल साइंटिस्ट हैं और पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट और हमारे साथ हैं स्टूडियो में हमारे मेहमान मिस्टर संदीप खन्ना जो कि टाइप फोर पर्सनालिटी को बिलोंग करते हैं आप सबका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू डॉक्टर न्यूटन भीड़ में सबसे अलग दिखना यस टाइप फोर के लोग कैसे होते हैं सो टाइप फोर दे आर आल्सो नोन एज इंडिविजुअलिस्ट आल्सो नोन एज रोमांटिक पीपल हु हैड द नीड टू बी स्पेशल नीड टू बी यूनिक ऑफ कोर्स वी आर ऑल यूनिक एंड स्पेशल बीइंग्स बट एज टाइप फोर पर्सनैलिटीज आपसे जानना चाहूँगी कितना आप अपने आप को रिलेट कर पाते हैं इन सारीक्टरिस्टिक से काफ़ी हद तक ठीक ही बातें लग रही हैं और हमेशा एक यूनिक और स्पेशल अटेंशन चाहते हैं हमेशा तो नहीं बट यस टाइम्स डेफिनेटली right. क्योंकि ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है मैं ये जानना चाहूँगी कि चाइल्डहुड में ये कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे डेवलप हो सकती हैं डॉक्टर लक्ष्मी या फॉर एग्जाम्पल ए चाइल्ड अपने पिता या माता जी के साथ बाहर जा रहे थे और सडनली कुछ एक कार आ गया एंड mother or father got hurt. So a child for a child he feels that because of him this thing has happened. Oh look as they hai ki mereva kuch ho gaya and they feel there is something wrong with them and from then onwards they feel very much abandoned. So with that they start going into the deeper aspects. They want to find out what is missing.

That happens uh, when we are uh, little babies, mm -hmm. when we are born, when we are in the mother's womb. Mm -hmm. Even uh, sometimes we don't remember those incidents that happened, but it's like a seed that has formed there where you felt uh, disconnected from your parents. It might not have taken place, but what happens is we perceive it in that moment that, oh, I'm not with my parents.

संदीप so. yes. uh, जी आप और सोचिए थोड़ा कि hmm. ऐसे कौन सा बचपन का आपका इंसिडेंस हो सकता है जिसकी वजह से ये पर्साटी ड्राइव हुई है hmm. तब तक हमने संदीप जी के कुछ फैमिली और फ्रेंड से बात की और उनसे जानने की कोशिश की कि संदीप जी का एक्चुअली नेचर कैसा है उनकी पर्सनैलिटी के कैरेक्ट्रिस्टिक्स कैसे हैं संदीप की नेचर बहुत अच्छी है बहुत मिलनसार हैं सबसे बहुत अच्छी तरह मिलते हैं और थोड़ा कभी कभी उनको थोड़ा सा गुछा गुछा जाता जाता है। है। फिर थोड़ी देर में वेरी फन लाइक्टेबल संदीप शुरू से बचपन से काफी इंट्रोवर्ट किस्म का है और लोगों से घुलता मिलता कम है हालांकि उसे सबके बीच में रहना अच्छा लगता है पर अपने कामों को अपनी फीलिंग्स को वो शेयर नहीं इजीली करता उनको बच्चों के साथ रहना पसंद है और बच्चों को उनके साथ बट कभी कभी वो रेस्टलेस हो जाते हैं जब चीज़ें उनके फेवरेबल नहीं होती हैं तब वो काफ़ी अन अनरेस्ट पर होते हैं जब उनके मतलब से चीज़ें नहीं चलती हैं और थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं कभी कभी सबके बीच में भी वो अपनी बातें इजीली शेयर नहीं करता अभी भी उसको इतना नहीं इजीली शेयर करने की आदत पर कुछ लोगों के साथ जिनके साथ वो बहुत क्लोज है उनके साथ वो अपनी बातें शेयर कर लेता है ही गैट्स वेरी इरीटेटेड बाईल थिंग्स बट ही जब भी वो कोई काम करना शुरू करता है तो फिर वो उसके लिए उसको पूरी कंसनट्रेशन से और पूरी मेहनत से लगन से करता है ये बात तो उनमें है उनके मन की इच्छा अगर पूरी नहीं होती है तो वो बहुत जल्दी से परेशान हो जाते हैं छोटी सी चीज़ को लेकर भी जल्दी परेशान हो जाते हैं और उनको समझाना पड़ता है कि टेम्प्रेरी है और ठीक हो जाएगा फिर हम समझाते हैं भाई परेशान होने से क्या होता है जो होना है वो सब ठीक हो होगा परेशान होने से तो कुछ नहीं होता डॉक्टर लक्ष्मी जैसे कि हमने देखा संदीप जी ने भी बताया कि yeah. जो जो की ये हैं। लेकिन एक एग्जांपल कोट किया है mm -hmm. अपने बड़े भाई का, mm -hmm. वो mm -hmm. so, कहीं रिलेशन -कहीं yes. है या yeah. जब एक बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होता है और दूसरा बच्चा वेरी यू नो नॉर्मल होता है और एवरेज होता है देन पेरेंट्स ऑलवेज लाइक अप्रिशिएट दाइल्ड तो तब इस चाइल्ड में बहुत ये हो जाता है कि आई एम नॉट गुड इनफ मैं उतना अच्छा नहीं हूँ तो दे स्टार्ट फीलिंग दट लो फीलिंग्स एंडकनेक्ट करने लगता है मे बी वी हैव टू आस्ट संदीप जी इफ सच थिंग आई कॉन्ट थिंक दैट वे बिकॉज

Is uh, very studious enough, mm -hmm. so he felt uh, in a way low self-image about himself, mm -hmm. like uh, unworthiness or inadequacy, because uh, two, three, four feeling center people they have this self-image, mm -hmm. you know, not enough, not good enough, this kind of feeling. Alright. So comparing his own self with others, mm -hmm. okay. that's the predominant uh, quality of. Uh, टाइप फोर पर्सनालिटी, दे एक्सपीरियंस द इंटेंसिटी ऑफ इमोशंस, बिकॉज़ दे आर हाईली सेंसिटिव पीपल. ओके. सो व्हाटवर इमोशन, दे गो टू द वेरी डेप्स ऑफ इट, एंड आल्सो दे डोंट जेल विथ ऑल द काइंस ऑफ फ्रेंड्स और पीपल, दे आर वेरी चूसी, लाइक दे टॉक टू पीपल फॉर हैव द सेम काइ for something which they are missing in their life. So very 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 sensitive people, type four personality के जो लोग होते हैं type four personality के कौन से core beliefs हैं और क्या उनकी main characteristics है इस पर हम आगे भी बात करते रहेंगे लेकिन एक break के बाद वेलकम बैक आप देख रहे हैं डिस्कवर योर सेल्फ और आज हम बात कर करें टाइप फोर पर्सनैलिटी इंडिविजुअलिस्ट के बारे में कहा जाता है कि जो टाइप फोर पर्सनैलिटी के लोग होते हैं वो अमूमन अपनी 25 साल की उम्र तक काफ़ी सारी एगोनी और एक्सटेसी एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं डॉक्टर न्यूटन ने कितना सच है यस देर इज काइंड ऑफ डीप इमोशनल इंटेंसिटी फॉर देम लाइक अ मूड स्विंग लाइक एक्सट्रीम्स ऑफ एक्सटेसी और एगोनी These two extremes are experienced by type four people, individualists. So, generally, we thought about uh, how it develops uh, from the childhood. There's a more of a comparison with others. They themselves compare mm -hmm. themselves with others. Mm -hmm, mm -hmm. If they find that uh, there is some qualities that they don't have, which they have found uh, in others, they immediately notices it. Okay. And also, they feel enviousness. डॉ लक्ष्मी कई बार ये भी कहा जाता है कि जो टाइप फोर के लोग होते हैं mm -hmm. उन्हें ट्रेजिक रोमांटिक माना जाता है mm -hmm. इसका क्या मतलब है या yeah. ये लोग जो कुछ भी मिस करते हैं लाइफ में वो बाहर ढूंढने लगते हैं एंड दे वो फाइंड सम दिस गैप मिसिंग गैप वो लोग अंदर फील कर रहे हैं और दे वॉन्ट समू कम इन टू लाइफ लाइक Like Radha, how she waits for Krishna, like that? In the, like Devadas, <laughs> <laughs> like um, they wallow in that, uh, brood over that uh, kind of uh, tragic or agony, mm -hmm. pain, suffering, and uh, they derive attention of everyone. It's like uh, in a way that they are uh, uh, receiving a lot of warmth and uh, affection and because many people, they pay attention to them and they are in that deep,

i can't uh, actually relate to this being mm. tragic romantic yeah but, but was there that, any but, longing in you but yes like. whenever this stress or this feeling comes na so i mm. at that time you just uh, think that i have always been having this kind of thing mm. uh, even mm. almost throughout my childhood and my even through mm. adulthood this agony and this all thing has been going on So क्षी okay. mm -hmm. like right, मैं आपसे और भी जानना चाहूंगी की mm -hmm. क्या क्या करते हैं कि वो स्पेशल देखे और भीड़ से अलग देखे लेकिन प्रोग्राम शुरू होने के पहले हमने संदीप जी से ही बात की और उनसे जानने की कोशिश की कि वो अपने बारे में क्या सोचते हैं अपने नेचर के बारे में क्या कहते हैं जब भी कोई अपॉर्चुनिटी मुझे आती है काम की तो सबसे पहले मैं उसमें से मेरे लिए क्या पॉजिटिव हो सकता है उसी पे सबसे पहले ध्यान मेरा जाता है वही एनालाइज सिचुएशन को मैं उसी हिसाब से ही कर, करना चाहता हूँ बहुत सफोकेशन सी लगती है कि अब मेरा जो बात है या जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है अगर कोई नहीं समझ पाता है तो आ, बड़ी सफोकेशन सी लगती है कि भाई क्यों सामने वाला जो है मेरी बात का पॉइंट समझ नहीं पा बहुत कुछ ऐसा था जो करना चाहता था मैं जो मैं नहीं कर पाया काफ़ी अकेलापन भी मैंने महसूस किया है कुछ ना कुछ लाइफ में जैसे हर वक़्त लगता था कुछ ना कुछ मिसिंग है ज़िंदगी जो हमें मिली है या जिसमें हम चल रहे हैं या जी रहे हैं इसमें हमें क्या मेनली करना क्या है ऐसा कुछ कुछ ना कुछ मिसिंग कुछ पॉइंट मिसिंग लगता था हमेशा वो आज भी लगता है डॉक्टर लक्ष्मी जैसे कि हमने बात की संदीप जी ने भी बताया कि हाँ कुछ कुछ करेक्टरिस्टिक्स तो मैच करती हैं टाइप फोर पर्सनालिटी से इनकी और सर्टनली एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने आ, अभी बताया वो ये कि दे वांट स्पेशल अटेंशन दे वांट टू बी यूनिक क्या करते हैं टाइप फोर ये लोग जब एक पार्टी को जाते हैं दे ड्रेस इन ए वे दैट दे आर वेरी स्पेशल फ्रॉम द होल ग्रुप एंड दे थक देल डू समथिंग वेरी क्रिएटिव They'll start performing a dance <laughs> or a ballet, you know, okay. so that everybody can just put their attention on them. They're highly intuitive. They are highly intuitive. Mm -hmm. They can understand about the, uh, what is the next moment that's going to be. Very, mm -hmm. very intuitive and very refined mm -hmm. and very artistic. Mm -hmm. Their soul is very artistic, like uh, the persona that developed. It's very artistic maybe music or dance, or painting, art or mm -hmm. a dance painting or some special taste in selecting clothes you know it can be anything okay. they're very creative and uh, we need to ask us uh, about uh, uh, do you feel that you are intuitive and uh, artistic creative in your thinking or in you know, actions in your life but just and uh, dr lakshmi said one thing i can relate to perfectly is this that yes

inside yourself when you find it in others how do you feel this m missing something this feeling for uh, this longing for something which even i don't know what i am looking for yes mm -hmm. that feeling is always there it's mm -hmm. never missing always i am

not good enough generally it comes from uh, i'm not loved enough i'm not given enough love love when it is not given enough for a child mm -hmm. it could be coming from the past lives too it may not be uh, we in may not see life. it in the mm -hmm. present life childhood mm -hmm. it may come from the other lives too all right. and uh, that can create uh, uh, worth uh, self worth lack mm -hmm. of self worth i'm not i'm nothing all right so basically i'm nothing aisa kuch hai aapke आपका कोई डीप कोर बिलीफ जिसे आप ओवरकम करना चाहते हैं स्पेशल अटेंशन लेकर या जैसे भी हमने कैरेक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स uh, बात कैरेक्टरिस्टिक्स पे बातें की टाइप फोर पर्सनालिटी के आई एम नॉट गुड इनफ तो आई हैव ऑलरेडी एडमिटेड दैट आई डू फील लाइक दैट ऑलवेज बिकॉज आई कैन बी बेटर आई कैन बी मच बेटर आई कैन डू मच बेटर दैट इज ऑलवेज दैट फीलिंग आई एम मच बेटर एंड मच बेटर आई एम आई कैन बी बेटर

तो जब वो टाइप वन पर्सनालिटी की तरह जाते हैं तो वो बहुत प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल हो जाते हैं सेल्फ डिसप्लिन हो जाते हैं एंड दे स्टार्ट गिविंग मोर इम्पोर्टेंस ऑन देयर प्रिंसिपल्स एंड रेगुलेशंस एंड यू नो ऑल आइडियल्स 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 और जब स्ट्रेस uh, में चले जाते हैं वो दो टाइप पर्सनैलिटी की तरह जाते हैं और दे बिकम वेरी मैनिपुलेटिव इन मेकिंग पीपल टू लव दैम एंड बहुत डिपेंडेंसी हो जाती है और दे ब्लेमर्स ऑल्सो एंड अबाउट या जब हम विंग्स के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो चार की उस तरफ तीन है और इस तरफ फाइव है, है। yeah. तो वेन स्ट्रॉन्ग फोर विंग है दे बिकम स्ट्रोंग थ्री विंग है दे बिकम वेरी

Positive high, uh, they are uh, highly intuitive, sensitive, perceptive, and creative, artistic, and uh, they are unique. That's They're a unique. positive. <laughs> All right. And uh, the negative side is melancholy, mm -hmm. sadness, deep uh, depressive states, mood swings, mm -hmm. which are uh, you know, generally considered to be a negative trait in the type 4.

That connection with their own inner self and being ordinary in life. Okay. Then they mostly go into a special and uh, they are aloof, isolated, it means uh, they stay away from the crowd. Mm -hmm. and so they have to be ordinary, mingle, merge, blend, and uh, be ordinary, enjoy the tea, coffee, and <laughs> uh, chat with the people, and go and drink tea even in a cafe. You know, just with where all people are there, all right. and it makes us so ordinary. We, we are people who can share something very very ordinary, moments which are extraordinary things. Yeah. So, and that's, and that's, uh, important point is, that people help others so that you know they'll not go into that self-absorbing mode. Okay. Yeah. सो दैट दैट ऑलरेडी कम्स विद कि आप लोगों से और ब्लेंड हुई उनसे मिक्सअप हुई है, yes. हुई है। yeah. संदीप जी बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा क्वेश्चन मैथड के बाद और जब आपको पता लगा कि आपकी लाइफ टास्क क्या है पहले तो आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है और आपकी ये लाइफ टास्क है और ये भी साथ में बताइए कि कितना आप इसे फॉलो करने वाले हैं इसको अपने बारे में इतनी बातें जानने के बाद आ, मुझे लगता है कि इस पर कोशिश करने से काफ़ी हेल्प मिल सकती है तो आएल,

It's there in the ordinary moments. Mm -hmm. Being ordinary, simple, and extracting the truths, the juice of life, that's the essence. Okay. Our real self is there in this very moment, in this very ordinary moment. That's the most extraordinary, the bliss that we experience. And search it inside, All not right. outside. To Joby, uh आई अल्टीमेट ब्लिस है जो असली खुशी है वो आप ही के अंदर है अपने आप से कनेक्ट करने की कोशिश करिए यही टाइप फॉर लोगों के लिए कहा जा रहा है दैट यू नीड टू फाइंड योर रियल सेल्फ और जैसे कि डॉक्टर न्यूटन ने कहा दैट मेडिटेशन इज़ द बेस्ट वे अगर आप अपने आप को वाकई में रियल सेंस में जानना चाहते हैं और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि ऑर्डिनरी लोगों की तरह बनिए, उनके साथ चाय कॉफी जाके पिए जैसे कि डॉक्टर न्यूटन ने कहा यू नीड टू मिंगल अप यू नीड टू अप विथ ऑल द पीपल इन दिस वर्ल्ड हमेशा आलूफ और अकेले अपने आप को स्पेशल दिखाने के लिए मत रहिए थैंक यू सो मच डॉक्टर न्यूटन थैंक यू सो मच डॉक्टर लक्ष्मी थैंक यू सो मच संदीप जी फॉर बींग विदास डिस्कवर योर सेल्फ में आज सिर्फ इतना ही फिर से मिलेंगे एक और पर्सनैलिटी टाइप के साथ तब तक के लिए लिव लाइफ पॉजिटिव डिस्कवर योर सेल्फ देखते रहिए नमस्कार